हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने एल्कोहल स्टार्ट किया था और एल्कोहल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप होता है उन्हें एल्कोहल कह लेते हैं, ठीक है। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो एल्कोहल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल, ठीक है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, और इनके आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया था। अगला है कि जो एल्कोहल होते हैं उन्हें बनाया कैसे जाता है, किन किन कंपाउंड्स के थ्रू ये बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में, जिनमें एक OH समूह होता है, वो किस टाइप से बनते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड आता है इसमें एल्कीन्स की एडिशन रिएक्शंस के थ्रू, ठीक है। सोचिए कि कोई एल्कीन हमारे पास है, ठीक। अगर जो हम यहाँ पे कहीं से एक हाइड्रोजन जोड़ दें और यहाँ पे एक OH जोड़ दें, ठीक है, तो ये हमें एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमें एक एल्कोहल मिल जाता है। तो ऐसे ही में अलग अलग टाइप के हमारे पास रिएक्शन आती हैं एल्कीन्स की। एल्कीन्स क्योंकि एक डबल बॉन्ड कंटेन करती हैं, तो इस डबल बॉन्ड पे हमेशा एडिशन रिएक्शन होगी। ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे हमेशा एडिशन रिएक्शन होगा, और एल्कीन्स के केस में ये एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। और जब हम एल्कीन्स की बात करते हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि एल्कीन्स के साथ एक रूल चलता है जिसे बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल, ठीक है, कि नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर सब्सट्रेंट ज़्यादा होता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं आसान भाषा में कि जहाँ पे हाइड्रोजन, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होंगे उस कार्बन पे एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो पहली रिएक्शन आती है बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन के हाइड्रेशन के थ्रू, ठीक है। कोई एल्कीन हमारे पास है, ठीक है, उसका हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे मतलब उसमें एस्ट्रो को जोड़ देंगे, ठीक है। तो एस्ट्रो कैसे जुड़ता है, एच प्लस OH माइनस, तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और OH माइनस वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, ठीक है। अभी चीज़ें सिंपल रखनी है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे इसकी मैकेनिज्म दे रखी है, ये रिएक्शन एसिड कैटलाइज होती है। देखो जो H प्लस है इस कार्बन पे जुड़ेगा, ठीक है, और यहाँ से एक्टिवेट होके हमारे पास इस प्रकार से एल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे, ठीक। दूसरी रिएक्शन आती है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी ऑक्सी मर्क्यूरेशन, सेम मार्कोनिकोव एडिशन के थ्रू होती है। बस यहाँ पे हमारे पास क्या है, टी एच एव और मर्क्यूरिक एस्टाइल मर्क्यूरिक, ये हमारे पास क्या है रिएजेंट्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं OH समूह को जोड़ते हैं, ठीक। सेम अगली रिएक्शन आती है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ठीक। जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के थ्रू होती है, मतलब OH ग्रुप वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन्स अधिक मात्रा में होंगे, ठीक है। तो ये तो थी एडिशन रिएक्शन एल्कीन्स की। अगली रिएक्शन आती है कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन से, ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है। रिडक्शन किसे कह लेते हैं, या तो ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये भी ध्यान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, और वही डेफिनेशन यहाँ चलती जाती है कि जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन हटेगा उसे ऑक्सीडेशन कह देंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन हटेगा या हाइड्रोजन जुड़ेगा उसे रिडक्शन कह देंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की कार्बोनिल कंपाउंड्स के। कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास है, ठीक है, जहाँ पे ये वाला ग्रुप होता है उसे कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। और कार्बोनिल कंपाउंड का जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे पास दो होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक हो गया। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल हमें मिलता है। प्राइमरी एल्कोहल किसे कहते हैं,
जहाँ पे ओ एच ग्रुप प्राइमरी कार्बन पे जुड़ा हो, ठीक है, और कीटोन है, तो कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ता है, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ गया, ठीक है। वैसे एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जुड़ गया, इस हिसाब से हमें संगत एल्कोहल प्राप्त होते हैं, ठीक हो गया। तो ये रिडक्शन रिएक्शन थी, सेम रिडक्शन रिएक्शन होती है हमारे पास एसिड्स में, ठीक है, क्योंकि एसिड्स में भी क्या होता है, ऑक्सीजन है हमारे पास, है ना। इन ऑक्सीजन को हटा दें, देखो ओ एच यहाँ पे, इस ऑक्सीजन को हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो एसिड्स होते हैं ये पहले कन्वर्ट होते हैं एल्डिहाइड में और फिर बनाएंगे एल्कोहल, ठीक है। स्टेप वाइज क्या है इसका, रिडक्शन है, हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले रखा है, मतलब प्रबल अपचायक ले रखा है, तो ये तुरंत किस में कन्वर्ट बदल गया, एल्कोहल में बदल गया, ठीक है। अगला आता है रिडक्शन ऑफ एस्टर, एस्टर का रिडक्शन करेंगे तो ये हमारे पास एस्टर है, ठीक है, तो हमें दो टाइप के एल्कोहल मिलते हैं, ठीक है। कैसे, कोई एस्टर है हमारे पास CH3COOCH3, ठीक है, तो इतना एक बनाएगा, इतना एक बनाएगा CH3CH2OH CH3OH, जैसे यहाँ पे हमारे पास है इथाइल फिनाइल एसिटेट, ये हमारे पास एक एस्टर है, ठीक है। इसमें देखो एल्कोहल दो टाइप के मिल रहे हैं, पहला एल्कोहल तो इतना पार्ट बना रहा है और दूसरा एल्कोहल ये वाला पार्ट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओएच जुड़ा और यहाँ पे भी ओएच जुड़ गया, ठीक है। और ओएच जुड़ा क्या है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, उन हाइड्रोजन ने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये रिडक्शन था किसका, एस्टर्स का। अगला आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन हमने पढ़ी भी थी कि एल्काइल हैलाइड में पढ़ा था कि NaOH की रिएक्शन एक्वस NaOH या KOH की रिएक्शन अगर जो हम किसी एल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। अगला, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्राइमरी एलिफेटिक एमीन, ठीक है। देखो एल दो प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या कर रहा है, नाइट्रस एसिड, इसे कहते हैं नाइट्रस एसिड HNO2 को, ठीक है, HNO2 को कहते हैं नाइट्रस एसिड। तो एनिलीन जब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करता है तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनाता है, ठीक हो गया। ये डायजो रिएक्शन कहलाती है, ये हमने पहले भी पढ़ी है एल्काइल हैलाइड में, जब हम सैंड में रिएक्शन वगैरह पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखा हुआ है कि जो एनिलीन है वो नाइट्रस एसिड से क्रिया करके डायजोनियम सॉल्ट बनाती है, ठीक है। पर क्यों, ये तो एरोमेटिक एमीन की बात हो गई, अगर जो हम किसी एलिफेटिक एमीन की बात करते हैं तो ये नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके डायजोनियम सॉल्ट बनाती है ये भी, ठीक है। पर ये जो सॉल्ट होता है ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, ऊपर वाले में रिजोनेंस हो जाता है इस कंपाउंड में, जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड यहाँ पे है इसमें रेजोनेंस हो जाता है, तो इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। पर जो हमारे पास एलिफेटिक डायजोनियम क्लोराइड बनते हैं, जैसे यहाँ पे इथेन डायजोनियम क्लोराइड, इसमें रेजोनेंस की कोई गुंजाइश ही नहीं, ठीक है, तो ये अनस्टेबल होता है और तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो एलिफेटिक एमीन होते हैं, जो एलिफेटिक एमीन होते हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्कोहल देते हैं, ठीक, और जो एरोमेटिक एमीन होते हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके डायजोनियम सॉल्ट देते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को कहते हैं नाइट्रस एसिड टेस्ट, ठीक है, नाइट्रस एसिड टेस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं किसमें, एक एरोमेटिक एमीन और एक
एलिफैटिक एमीन में कहीं पे आ गया कि इथाइल एमीन और एनिलीन में अंतर कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे से बता सकते हैं कि एनिलीन जो है वो नाइट्रस एसिड के साथ क्रिया करके डाइएजिनियम क्लोराइड देगा, जबकि जो हमें हमारे पास इथाइल एमीन है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्कोहल देगा। ठीक हो गया। अगली रिएक्शन आती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे कार्बन चेन हमें बढ़ानी हो वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम यूज़ कर लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हुआ? ये चीज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होती है, RMgX। ठीक है, तो मेथेनल का रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी एल्डिहाइड कीटोन के आप देख सकते हैं। ये हमारे पास मेथेनल है, HC डबल बॉन्ड OH, RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, एल्काइल ग्रुप में नेगेटिव चार्ज। ये जुड़ेगा ऑक्सीजन पे, मैग्नीशियम जुड़ेगा कार्बन पे। तो हमारे पास एक कंपाउंड मिला है बीच में, RCH2OMgX। ठीक है, ये किस टाइप का कंपाउंड है? RCH2OMgX CO, ठीक है, MgX। यहाँ एक हाइड्रोजन था, यहाँ एक हाइड्रोजन था, और इधर आ गया R, तो RCH2OMgX। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन है उसमें नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज। इसका हाइड्रोलिसिस कर दें H2O के थ्रू। ठीक है, तो H प्लस और OH माइनस हमारे पास आएगा, तो वही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे जोड़ दो और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव वाले पार्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हमें कंपाउंड क्या मिल रहा है, तो क्या बनाया था हमने, HCHO, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोजन आ गया, एल्काइल ग्रुप यहीं पे है। मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज था तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जुड़ जाएगा, Mg नेगेटिव चार्ज, OH और X। ठीक है, तो MgOX, OHX और प्राइमरी एल्कोहल हमें मिल गया। ठीक है, तो मेथेनॉल से हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार का प्राइमरी एल्कोहल बना सकते हैं। एल्डिहाइड जो होंगे वो हमेशा सेकेंडरी एल्कोहल देंगे। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, जो मेथेनॉल था वहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह पे हम क्या जोड़ देंगे, एक एल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे, तो हमें सेकेंडरी एल्कोहल मिलते हैं। और जब हम कीटोन की रिएक्शन किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो हमें टर्शियरी एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब तो यहाँ पे तक हमारे पास थे इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें एक चीज़ और है, जो हम फर्मेंटेशन के थ्रू इथाइल एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी, तो जैसे हमने क्या पढ़ा था, इसको पहले एक बार ही देख लें कि जो हमारे पास एल्कोहल होता है वो पोलर नेचर का होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और एल्काइल ग्रुप पे भी पॉजिटिव चार्ज। तो ये पोलर नेचर का हमारे पास कंपाउंड है। इसके पोलर नेचर के कारण क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये एल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये दिखा रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं, जब कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के नज़दीक आता है तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कहाँ है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में, क्योंकि इनका साइज भी छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अपनी तरफ आसानी से खींच सकते हैं। तो देखो, ये एक एल्कोहल है, ये दूसरा एल्कोहल है, ये तीसरा एल्कोहल है, और इसका ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसका ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है, एक तो क्योंकि प्रत्येक मॉलिक्यूल नज़दीक नज़दीक आ गया है तो स्टेट चेंज हो जाती। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले एल्काइल हैलाइड में पढ़ा था कि जो लोअर एल्काइल हैलाइड होते हैं ये गैसियस स्टेट में रहते हैं। ठीक है,
पर जो हमारे पास लोअर एल्कोहल होते हैं वो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल नज़दीक नज़दीक है ना, तो इस कारण ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे इनका साइज़ बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये सॉलिड में कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, देखो ये जो एल्कोहल होता है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना शुरू करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है मतलब आसानी से पानी में घुल जाता है, ठीक है। तो एल्कोहल आसानी से पानी में घुल जाता है। और क्या अंतर आएगा बताओ, इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, जो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट इनके संगत जो ईथर होते हैं, ईथर क्या है इनके फंक्शनल आइसोमर है, तो उनके रिस्पेक्ट में इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, किसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, मॉलिक्यूलर पोलर इन द ओ एच बॉन्ड, ओ इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, वाटर सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास कार्बन चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। तो ये सिंपल से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ध्यान के रखना है, क्योंकि एल्कोहल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए पानी में भी घुल जाता है, और इसके बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं, ठीक हो गया। तो आज के लिए बहुत है, तुम्हें क्या करना है, ये रिएक्शंस ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो इस एल्कोहल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, या इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये दूसरे कंपाउंड के लिए क्या हो जाती हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं, ठीक है। तो इन रिएक्शंस को ध्यान रखना है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये रिएक्शंस क्या होंगी, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार आती रहेंगी। थैंक यू।